अभी हम लोग डीएनए पॉलीमरेज में ओ हेलिक्स जो है उसके स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है अगले एंजाइम्स सब के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ओ हेलिक्स जो है इसके बारे में बोलते हैं कि ये फिंगर डोमेन का पार्ट है, फिंगर डोमेन का। इसका काम होता है कि ये जो भी न्यूक्लियोटाइड आ रहा है जुड़ने के लिए उसको प्रॉपर तरीके से जोड़े और बेस स्टॉकिंग करे। इसमें तीन अमाइनो एसिड रेसिड्यूज जो होते हैं बड़े महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, टायरोसिन, लाइसिन एंड थ्रियोनिन, सॉरी आर्जिनिन, आर्जिनिन। ये तीन अमाइनो एसिड बड़े इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अब यदि तीनों अमाइनो एसिड को आप लुक करिएगा, यह एरोमेटिक है, ठीक है, और ये दोनों बेसिक है। बेसिक सबके पास बड़ा बड़ा ग्रुप होता है। जैसे टायरोसिन को अगर देखेंगे तो टायरोसिन कुछ इस तरीके से दिखता है, CH2, बेंजीन रिंग और उसमें ओए जुड़ा हुआ। देखिए इस तरह से टायरोसिन दिखता है। वहीं अगर लाइसिन को देखते हैं, लाइसिन का जो साइड चेन होता है वो बहुत लंबा होता है। ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है ये लाइसिन। अब देखिए कितना बड़ा स्ट्रक्चर है। वहीं अगर आर्जिनिन को देखते हैं हम लोग, उसका भी स्ट्रक्चर में साइड चेन बहुत बड़ा होता NH2। अब देखिए काफी बड़ा ग्रुप जो है इन सभी के पास होता है, मतलब ये काफी लंबी दूरी तक, ये तो इसका पेप्टाइड बॉन्ड का हिस्सा होता है, और ये जो होता है इसका कहलाता है साइड चेन। ये साइड चेन लंबा और इस तरीके से होता है कि ये दूर तक इंटरेक्शन कर सकता है। एक डायग्राम के माध्यम से इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ठीक है, एक डीएनए टेम्पलेट है और उस पर ये जो है टेम्पलेट है 5-फॉस्फेटेंड, 3-OH-एंड, 5-फॉस्फेटेंड और ये है 3-OH-एंड। और सबके बीच अपना बेस पेयरिंग है, बेस पेयरिंग है सब कुछ। अब कुछ नया आने वाला है, ठीक है, कुछ नया आने वाला है। तो सपोज करो कि कोई न्यूक्लियोटाइड है, तो न्यूक्लियोटाइड को आना है। अब न्यूक्लियोटाइड जब आएगा उस न्यूक्लियोटाइड को यहां प्रॉपर पोजीशन पर जोड़ना, इसके सामने जोड़ना और इस तरह से दबाना कि सब जैसे कैसी अरेंज है स्टॉक वेव उसी तरह से वो अरेंज हो। अब इस काम को करने के लिए एक ओ हेलिक्स होता है, वो देखिए डीएनए पॉलीमरेज में ये ओ हेलिक्स है, ठीक है, दिस इज ओ हेलिक्स। इस ओ हेलिक्स में स्पेसिफिक पोजीशन पर अलग अलग रेसिड्यूज हैं, जैसे टायरोसिन रेसिड्यू, जैसे लाइसिन रेसिड्यू और
सबके साइड चेन अपने अपने निकले हुए। जैसे ही कोई न्यूक्लियोटाइड यहां आता है जुड़ने के लिए, तो ये अपने एक्सिस से, ये अपने इस एक्सिस से 40 डिग्री नीचे टर्न कर टर्न डाउन होता है, ठीक है ना। देखो यहां आ गया, ये जो डाउन हुआ है ये करीब 40 डिग्री एंगल को लेकर डाउन होता है। अब जैसे ये डाउन हुआ, ऑब्वियसली जो टायरोसिन वो यहां आ गया, लाइसिन यहां आ गया, आर्जिनिन यहां आ गया। तो अब ये उस पोजीशन में है कि वो उस जगह पर जो भी न्यूक्लियोटाइड आ रहा है उसको प्रॉपर तरीके से दबाकर वहां जुड़वा ले, है ना। तो राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं यहां। अब आप गौर करें कि आर्जिनिन जो और लाइसिन है, ये दोनों किस तरह के अमाइनो एसिड हैं? तो दोनों पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, मतलब इस पर भी प्लस चार्ज है और इस पर भी प्लस चार्ज है। अब जब कोई न्यूक्लियोटाइड, नया न्यूक्लियोटाइड आता है, जब कोई नया न्यूक्लियोटाइड आ रहा है, मान लो यहां पर एक नया न्यूक्लियोटाइड आ रहा है, हम लिखे एन न्यूक्लियोटाइड हो गया, सुगर हो गया, और उसके साथ क्या है, तीन फॉस्फेट है, एक दो तीन। इन सभी फॉस्फेट पर किस तरह के चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, फॉस्फेट पर नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक इंट्रैक्शन होगा, देखिए इंट्रैक्शन होगा, और ये इंट्रैक्शन इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से इंट्रैक्शन होता है कि जो अल्फा है, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लूं हल्का इंट्रैक्शन को, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि अल्फा को छोड़े ही नहीं है सर, तो फिर अल्फा का क्या होगा, ठीक है ना। देखिए यहां पर सुगर है और ये फॉस्फेट, देखिए इंट्रैक्शन, ये जो है बहुत बढ़िया डायग्राम बना नहीं पाए ना, ये जो है ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। जो के है वो बीटा के साथ, आर जो है वो अल्फा के साथ इंट्रैक्शन, गामा के साथ करता है। जो अल्फा फॉस्फेट होता है, और उसको ठीक करने पे डायग्राम, डायग्राम को थोड़ा और ठीक कर लेते हैं, ठीक है। जो चाल घुमा है ना उसको यहाँ दिखा दो, ठीक है। अब यहां से नीचे आया तो ये 40 डिग्री, हमारे लिए थोड़ा सा जगह रहेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और डायग्राम में भी बहुत ध्यान देना होता है कि ओरिएंटेशन बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस आ रहा है, सुगर आ रहा है, अल्फा फॉस्फेट है, बीटा फॉस्फेट है और गामा फॉस्फेट, इन सब का भी नेमिंग कर दें। ये अल्फा फॉस्फेट है, बीटा फॉस्फेट है, गामा फॉस्फेट, इन सब पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। अब इंट्रैक्शन देख लो कि बीटा और ये गामा के साथ इंट्रैक्शन हो गया, इसका अल्फा बचा हुआ है, ये अल्फा पर अटैक, मतलब ये जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये अल्फा पर अटैक करेगा। तो अब देखें कि कितना बैलेंस में रखे हुए इसको, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अल्फा के साथ इंट्रैक्शन हो जाए, नहीं तो रिजल्ट क्या होगा कि अल्फा वाला फॉस्फेट टूटकर अलग ही नहीं होगा। वो अगर नहीं टूटेगा तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा ही नहीं। साथ ही क्या होता है कि एंजाइम में मैग्नीशियम भी होते हैं, मैग्नीशियम दो मॉलिक्यूल होते हैं, अभी इसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो एक जो है मैग्नीशियम वो बीटा और गामा को इंट्रैक्ट करता है, और एक जो है वो अल्फा के साथ इंट्रैक्ट करता है। ये जितने भी है वो क्या है, ये आयोनिक इंटरैक्शन, आयोनिक इंटरैक्शन, ठीक है। मैग्नीशियम पर कौन सा चार्ज है? प्लस। लाइसिन और आर्जिनिन पर कौन सा चार्ज है? प्लस। ये सभी इस फॉस्फेट को इस तरह से जुगलबंदी करते हैं, नेगेटिव चार्ज को, कि अल्फा फॉस्फेट तो जुड़े लेकिन बीटा और गामा किसी हाल में
सिस्टम में नहीं जुड़ना चाहिए, इस तरीके से मैनेज करते हैं चीजों। अब यहां पर जो पहला रेसिड्यू है टायरोसिन रेसिड्यू, ठीक है ना, टायरोसिन रेसिड्यू के बारे में हम लोग क्या कहते हैं, इसके बारे में कहते हैं इट मेक्स बेस स्टैकिंग इंट्रैक्शन, बेस स्टैकिंग इंट्रैक्शन, ठीक है, ये बेस स्टैकिंग इंट्रैक्शन करता है। सेकेंड जो है उसका, उसको हम लोग बोलते हैं लाइसिन, लाइसिन रेसिड्यू। लाइसिन के बारे में हम लोग क्या कहते हैं, इट एसोसिएट्स विथ ट्राई फॉस्फेट, खासतौर पर बीटा फॉस्फेट एंड लिटिल बिट, थोड़ा मोड़ा गामा फॉस्फेट, टू मेंटेन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। हम बी एंड सी कर देते हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन, ठीक है, ये सब जो है उसके चार्जेस को मेंटेन करने के लिए वहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। इससे ये ओ हेलिक्स का काम है, कैसे वो इन सब चीजों को मेंटेन करता है। अब अगले पॉइंट की ओर जब बढ़ते हैं तो हम लोग को मैग्नीशियम आयन देखने का मौका मिला है। हम लोग बोलते हैं रोल ऑफ मेटल बाइवेलेंस में या तो दो मैग्नीशियम आयन रहेगा या फिर दो जिंक आयन रहेगा, दोनों में से कोई ऐसे करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं कि भाई जो मेटल बाइवेलेंट है, मान लो मैग्नीशियम को हम लोग लेकर चल रहे, हम लोग क्या करें कि दो जो मैग्नीशियम आयन है बाइंड्स टू डीएनए पॉलीमरेज थ्री, डीएनए पॉलीमरेज थ्री के साथ ये बाइंड करता है, थ्रू किसके मदद से करता है, थ्रू एस्पार्टेट रेसिड्यूज। जो दो एस्पार्टेट रेसिड्यू है उसके साथ इसका इंट्रैक्शन होता है, किसका, मैग्नीशियम आयन का। अगर इस डायग्राम को हम दिखाएं ऐसे, देखिए ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये डीएनए पॉलीमरेज थ्री, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो है पहला मैग्नीशियम आयन अपने साइड पर जुड़ा हुआ है, यहां पर दूसरा मैग्नीशियम आयन है, ये भी अपने साइड पर जुड़ा हुआ है, दोनों में पॉजिटिव चार्जेस हैं। और देखिए यहां पर स्पार्टेट है, स्पार्टेट पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो स्पार्टेट पर जो नेगेटिव चार्ज है यहां पर, और यहां पर भी स्पार्टेट है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है यहां पर, ये इसके साथ इंट्रैक्शन किए रहता है, ठीक है, ये इसके साथ इंट्रैक्शन, साथ ही कुछ और भी स्पार्टेट अगल बगल में हो उनके साथ भी इनका वीक इंट्रैक्शन रहता है। वीक इंट्रैक्शन तो सबके साथ रहता है, कोई दूर है कोई नजदीक है, उस आधार पर इंट्रैक्शन का जो वजन है वो काउंट होता है, भाई कौन नजदीक है कौन दूर है, तो जो जो दूर होगा उसका इंट्रैक्शन थोड़ा सा वीक होगा, जो नजदीक होगा उसका इंट्रैक्शन थोड़ा तगड़ा होगा। तो इस प्रकार से जो मैग्नीशियम आयन है वह डीएनए पॉलीमरेज के साथ क्या रहता है, जुड़ा रहता है। अब ये मैग्नीशियम आयन क्या काम करता है भाई, तो ये जो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड है
उस न्यूक्लियोटाइड के जो फॉस्फेट अल्फा बीटा गामा उनके साथ इंट्रैक्शन होता है। कैसे इंट्रैक्शन होता है देख लो, ये नया न्यूक्लियोटाइड है तो न्यूक्लियोटाइड हो गया, उसके साथ जुड़ा हुआ है सुगर और उसके सुगर के साथ जुड़ा हुआ क्या फॉस्फेट। देखिए तीन फॉस्फेट है, ठीक है, माइनस चार्ज। तो आप तो समझ जाते हैं ये इसको क्या करेगा, इंटरैक्ट करेगा, ठीक है, और ये इसके साथ हो गया, ये जो चार्ज है यहाँ इसके साथ इसका इंट्रैक्शन हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा, हल्का हल्का वीक इंट्रैक्शन इसके साथ ही होता है, इसके साथ ही होता है। ये जो है वो अल्फा फॉस्फेट है, ये जो बीटा है और ये गामा है। इतना सीधा तो नहीं होता लेकिन इस प्रकार से होता है कि अल्फा पर दबाव कम रहे और बीटा और गामा जो है इस पर दबाव सबसे ज्यादा रहे, ताकि जब तोड़कर बॉन्ड बनाने की बात हो तो अल्फा से खुल जाए लेकिन बीटा गामा अलग हो जाए, ऐसा नहीं पता चला बीटा गामा भी साथ में ही आकर जुड़ गया, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। यह काम जो होता है मैग्नीशियम आयन का होता है। देखिए जिधर से ये न्यूक्लियोटाइड आ रहा है ना उसको पहला मैग्नीशियम आयन और जो है वो दूसरा मैग्नीशियम आयन कहलाता है। जो फर्स्ट मैग्नीशियम आयन अगर जिंक हुआ तो जिंक भी घबराने की बात नहीं, अगर फर्स्ट मैग्नीशियम आयन को देखें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि भाई कहां ये इंटरैक्ट करता है, ठीक है ना, इट इंटरैक्ट्स विथ 3-O-, हम लोग क्या लिखते हैं 3-OH लिखते हैं, लेकिन अगर 3-OH से एक प्रोटॉन बाहर निकल जाए तो क्या कहलाएगा 3-O-, इसे लिखा गया कि ये 3-O- के साथ इंट्रैक्ट करता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, इट इंटरैक्ट्स विथ लाइसीन एंड अर्जिनिन रेसिड्यूज ऑफ ओ हेलिक्स। अभी ओ हेलिक्स तुरंत पढ़े हैं, वहां पर भी ये पहला जो मैग्नीशियम आयन होता है ये इस तरह से इसको इंट्रैक्ट करता है। अब हो गया सेकेंड मैग्नीशियम आयन, जिंक भी हो सकता है। सेकेंड मैग्नीशियम आयन के बारे में हम लोग कहते हैं ये इंटरैक्ट करता है किसके साथ, इंटरैक्ट्स विद अल्फा बीटा एंड गामा फॉस्फेट, अल्फा बीटा एंड गामा फॉस्फेट के साथ ये इंटरैक्ट करता है एंड न्यूट्रलाइजेस दियर नेगेटिव चार्ज। अल्फा बीटा गामा फॉस्फेट तीनों पर नेगेटिव चार्ज होता है, उसको वो न्यूट्रलाइज करके, ठीक है। साथ ही क्या होता है कि बीटा एंड गामा फॉस्फेट टुगेदर ब्रेकडाउन, दोनों टूट जाता है, ब्रेकडाउन, और एज पायरोफॉस्फेट, याद होगा सबको पीपीआई फॉर्म है, इसको भी स्टेबलाइज करता है, स्टेबलाइजेस पायरोफॉस्फेट। तो इस तरह से ये जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं ना वो कैसे इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के साथ मैग्नीशियम आयन। इसके अलावा और मैग्नीशियम आयन का इंटरैक्ट्स विथ लाइसिन एंड आर्जिनिन, चूंकि लाइसिन और आर्जिनिन भी जो है वो नेगेटिव चार्ज को मेंटेन करता है,
ये उनके साथ भी इनका क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कैसे दो मैग्नीशियम आयन जो है उसका रोल होता है। ये हमारा डीएनए हेलिकेज एंजाइम है, इसके लिए इसको जो एक और नाम दिया जाता है डीएनए बी प्रोटीन, याद रख। आजकल इस टर्म से खूब क्वेश्चन उठता है, डीएनए बी, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को याद रखना होगा कि डीएनए बी डीएनए हेलिकेज को कहते हैं। ऐसे कुछ प्रोटीन्स का मैंने टेबल भी बनाया है, डीएनए बी हेलिकेज, डीएनए सी क्या है, डीएनए जी क्या है, डीएनए ए क्या है। तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जब भी बोलना होता है तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि डीएनए बी हेलिकेज। अब इससे क्या होता है ना कि हमें कंफ्यूजन नहीं होता कि डीएनए बी है क्या। तो डीएनए बी हेलिकेज जो है वह अनवाइंड्स डीएनए, ये क्या करता है, अनवाइंड्स डीएनए, डीएनए को अनवाइंड करता है। तो डीएनए को जब अनवाइंड करेगा तो क्या होगा कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। ये अनवाइंडिंग का काम, ठीक है। तो जो दो दो ऐसे डीएनए का स्ट्रैंड्स है जो आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए थे, यह क्या करेगा, इनको ही ये ढीला कर देगा। तो ढीला कर देगा तो कैसे दिखेगा, इस तरह से यह जो अनवाइंडिंग है वो अनवाइंडिंग हेलिकेज एंजाइम की कृपा से होता है। हम कह सकते हैं कि ये जो है वो हेलिकेज है, डीएनए बी हेलिकेज, यह अनवाइंड करता है। दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मतलब डीएनए जो हेलिकेज है, डीएनए बी हेलिकेज, वो क्या कर रहा है, वो एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड को खोल रहा है। और यह हाइड्रोजन खोल रहा है तो क्या इसके लिए कोई ऐसा अलग से कुछ लाम काफ कर रहा है, नहीं, कोई लाम काफ अलग से नहीं कर रहा है, ठीक है। ये आराम से अपना एटीपी को हाइड्रोलाइज करता है और उसके मदद से जो एनर्जी इसको मिलता है उस एनर्जी का यूज करता है। देखिए डीएनए बी हेलिकेज हेलिकेज यूजेस एटीपीएस एटीपीएस एक्शन टू गेट ड्राइविंग एनर्जी, ठीक है ना। क्या करता है, ड्राइविंग एनर्जी मिल लेता है टू मेक अ पार्ट अपार्ट द टू स्ट्रैंड्स द डीएसटीएनए। तो ये एटीपी हाइड्रोलिसिस जब होगा तो क्या होगा, एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस 7.12 किलो कैलोरी। ये जो यूज, ये है ड्राइविंग फोर्स या ड्राइविंग एनर्जी, ये इस डीएनए बी हेरिकेज को ओपन करने में, पूरा डीएनए को ओपन करने में मदद करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टैंड अंडरस्टैंड कि डीएनए बी को यूज करता है, किसको यूज करता है, ये एटीपीएज को यूज करता है। तो ये महत्वपूर्ण बात आ गया। अब अगला जो है कि ये जो डीएनए बी हेलिकेज है इसके बारे में क्या कह रहे हैं, ये 6 सब यूनिट से बना हुआ है, ये हेक्सामेरिक, हेक्सामेरिक मतलब 6 सब यूनिट से बना हुआ, हेक्सामेरिक एंड रिंग शेप्ड, अंगूठी की तरह ये गोल है। अगर आप ऐसे देखें तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, 1 सब यूनिट, 2 सब यूनिट, 3 सब यूनिट, 4 सब यूनिट, 5 सब यूनिट और 6 सब यूनिट, 1 2 3 4 5 6। तो 6 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है ये
और रिंग शेप्ड डीएनए हेलिकेज, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगला पॉइंट क्या कहते हैं डीएनए हेलिकेज के बारे में, डीएनए बी हेलिकेज, देखो इसी नाम को हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, नेवर एक्ट ऑन, नेवर मूव, रादर हम बोले मूव ऑन डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये कभी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर मूव नहीं करता, नेवर, ऑलवेज नीड्स सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, बड़ी लिमिटेशन है डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर। अगर ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो हेलिकेज यहां पर ऐसे मुंह करके देखेगा, अरे बाबा ये क्या है, वहीं पर अगर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए देख लेगा तो ये हेलिकेज जो है वो पूरा खुश हो जाएगा, हाँ इस पर हम काम करेंगे, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड पर ये काम करता है, तो इसका मतलब है ये रेप्लिकेशन फोर पर काम है, रेप्लिकेशन फोर पर काम है, और ठीक उसी के पास ये घुसा और घुस के फटाफट 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 क्या करना लगेगा, उसको खोलने लगे। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसको हमें समझना चाहिए। सेकेंड पॉइंट होता है कि जो डीएनए बी हेलिकेज है मूव्स अलोंग द 5-3 डायरेक्शन, ये 5-3 डायरेक्शन पर घूमता है ऑन लैगिंग स्ट्रैंड या लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट, लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट पर ये 3-5 डायरेक्शन में घूमता है, ठीक है। अब किसी एक ही स्ट्रैंड पर रहेगा, दोनों स्टैंड पर तो ये रहेगा नहीं, दोनों स्टैंड पर रहने का कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि एक स्टैंड से ही एक खोल सकता है उसको, ठीक है। उसके बाद अब क्या होता है डीएनए हेलिकेज के बारे में, हम एक एक पॉइंट आराम से पेज बाय पेज ले रहे हैं। डीएनए बी हेलिकेज इसके बारे में क्या बोलते हैं, इट इज अ प्रोसेसिव एंजाइम। प्रोसेसिव एंजाइम का मतलब क्या हुआ, जो शुरू करके खत्म करता है, मतलब शुरू भी करता है और एंड भी करता है, बीच में कभी भी ये हटेगा नहीं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेसिव एंजाइम, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसको आपको जानना चाहिए। तो नॉर्मली क्या हमने कहा इसको, ये जो है नॉर्मली लीड लैगिंग स्टैंड पर जुड़ता है, तो नॉर्मली कभी कभी ऑन लीडिंग स्टैंड, ठीक है ना, बायोलॉजी सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन, अगर लीडिंग स्टैंड पर ये जुड़ता है तो वहां ये 3-5 मतलब उल्टा डायरेक्शन में डालते, ये सब चीज को एकदम दिमाग बिठा के चलोगे दोस्तों कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्योंकि थोड़ा भी अगर आप इन सब में कंफ्यूजन डेवलप हुआ मतलब खेल खत्म, फिर बहुत मुश्किल है चीजों को समझना है, इसलिए एक एक स्टेप करके इसमें चीजों को सीखा जाता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी क्लियरली। तो ये जो है हम डीएनए बी हेलिकेज के बारे में देख रहे हैं। तो अब देखो कि अगर ये एक डीएनए है ठीक है, ये लैगिंग स्ट्रैंड है, ये लीडिंग स्ट्रैंड है, तो आपका जो ये हेलिकेज होगा 1-2-3-4-5-6 वो इस तरह से इसको घेरे और ऐसे बढ़ेगा, यही साइंस है, सीधी बात है, इसमें कहीं कोई माथा पच्ची ज्यादा नहीं करना है।
अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसी डीएनए बी हेलिकेज की कुछ खास बातों को, टोपियाइसोमेरेज को, लिंकिंग नंबर को, आरएनए प्राइमेज को, एसएसबी प्रोटीन्स को।